दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मस्त कलंदर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मस्त कलंदर सन 1991 में आई एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र, डिंपल कपाड़िया, शम्मी कपूर, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, अनुपम खेर, अनिल धवन, मनिक ईरानी और शरद सक्सेना नजर आए थे। इस फिल्म को राहुल रवील ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी सलीम खान ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 80 स्क्रीन के साथ 25 जनवरी सन 1991 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2,40,00,000 था। इस फिल्म ने इंडिया में 2,20,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 15,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 1,12,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2,90,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1991 की 37वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए थे और उसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और इसके गाने एवरेज रहे थे, पर फिल्म का एक गाना चोर 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 आया रे माखन चोर, ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था, जिसे मोहम्मद अजीज ने गाया था। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट से बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म धर्मेंद्र की डायरेक्टर राहुल रवील के साथ में पहली फिल्म थी। सन 1983 में आई बेताब फिल्म से लेकर सन 1987 में आई फिल्म डकैत तक राहुल रवील ने सिर्फ सनी देओल को लेकर ही फिल्म बनाया था। सनी देओल के आने के बाद मस्त कलंदर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने सनी देओल को नहीं लिया था, लेकिन ये फिल्म 4 साल डिले होने के बाद रिलीज हुई थी। उनकी दूसरी नॉन सनी देओल फिल्म जीवन एक संघर्ष इस फिल्म से पहले सन 1990 में रिलीज हुई थी। नंबर 2, ये बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसमें गे कैरेक्टर रखा गया था। इस फिल्म में पिंकू का कैरेक्टर गे रहता है और पिंकू का रोल अनुपम खेर ने निभाया था। नंबर 3, धर्मेंद्र से पहले उनका रोल अमिताभ बच्चन को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। नंबर 4, ये फिल्म धर्मेंद्र और डिंपल कपाड़िया की साथ में 6वीं फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने साथ में इंसानियत के दुश्मन, महावीरा, गंगा तेरे देश में, शहजादे और बंटवारा फिल्मों में भी काम किया था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।